हरियाणा पुलिस में डीआईजी पद पर तैनात एक पुलिस अधिकारी को नशे में धुत होकर हंगामा करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब उसने नशे की हालत में सूबे के गृह मंत्री अनिल विज के भाई को अभद्र शब्द कह डाले। इतना ही नहीं, डीआईजी नशे में इस कदर चूर था कि उसने गृह मंत्री के भाई को जान से मारने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद अब डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही घटना के बाद से ही फरार चल रहे डीआईजी की धरपकड़ के लिए पुलिस की लगभग आधा दर्जन टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। अंबाला छावनी के सदर थाने में हरियाणा पुलिस के डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अशोक कुमार पर जो आरोप लगे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। आरोपों को हम हैरान कर देने वाला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अशोक कुमार पर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि हरियाणा के कद्दावर मंत्री अनिल विज के भाई ने लगाए। दरअसल गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल ने एक शिकायत पुलिस को सौंपी है जिसमें डीआईजी एवं मौजूदा एसपी विजिलेंस अंबाला पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने, अश्लील इशारे करने और जान से मार देने की धमकी देने के आरोप लगाए गए। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री के भाई और डीआईजी एक कार्यक्रम में गए हुए थे जिसमें डीआईजी नशे की हालत में थे और उन्होंने बिना कुछ देखे समझे गृह मंत्री के भाई के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। बहरहाल इस घटना की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन गत दिवस हुए इस मामले के बाद से अशोक कुमार फरार हैं, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की आधा दर्जन टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। अंबाला से अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, वो कल सैनिक सरन क्लब में एक झगड़ा हुआ है जिसमें जो डीआईजी विजिलेंस अशोक कुमार और होम मिनिस्टर के भाई जो है कपिल भी, इनमें झगड़ा हुआ है और शिकायत दर्ज हुई है। क्या शिकायत है और किसके खिलाफ? देखिए, हमारे पास कल थाना में एक कपिल विज जी द्वारा एक लिखित शिकायत थाना में पेश करी गई थी जिसके आधार पर हमने कार्रवाई करी है। देखिए, जो भी उनके द्वारा हमारे को शिकायत थाना में दी गई थी, जो उसके कंटेंट थे उनके आधार पर जो धाराएं उन पे लगती थी उनके अनुसार हमने कार्रवाई की है। सर, कुछ टीमें भी गठित की गई? हाँ, देखिए, हमारे इसमें इन्वेस्टिगेशन में और उनको राउंड अप करने के लिए 5 से 6 टीमों का गठन किया गया जो अपना काम कर रही है। किसके खिलाफ? नहीं, अशोक कुमार जी हमारे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.